आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि आगरा में पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 55 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। करप्शन लापरवाही में 55 जवान सस्पेंड हुए हैं। पासपोर्ट की तस्दीक में लापरवाही में 16 मुअत्तल किए गए। कई दरोगा हेड कांस्टेबल पर यह गाज गिरी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर 55 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 55 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, करप्शन और लापरवाही के आरोप इन पर लगे हैं और ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। 55 जवानों को सस्पेंड किया गया है। पासपोर्ट की तस्दीक में लापरवाही में 16 मुअत्तल हुए हैं दरोगा। कई दरोगा हेड कांस्टेबल पर यह गाज गिरी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 55 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस कमिश्नर की यह बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। पिछले काफी वक्त से इनके खिलाफ शिकायतें सुनने को मिल रही थी, करप्शन के केसेस के मद्देनजर और लापरवाही के मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। पासपोर्ट की तस्दीक में लापरवाही में 16 मुअत्तल हुए हैं। कई दरोगा इसमें शामिल हैं, कई कांस्टेबल इसमें शामिल हैं जिन पर गिरी है गाज। तो 55 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है यहां पर और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है कि एक बार में इतनी तादाद में पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं और इन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ करप्शन और लापरवाही के इल्जाम हैं, जिसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 55 पुलिस वालों को यहां सस्पेंड कर दिया गया है, करप्शन और लापरवाही का इल्जाम इन पर लगा, जिसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो 55 जवान हुए हैं सस्पेंड, पासपोर्ट की तस्दीक में लापरवाही की गई, इसके वजह से ये बड़ा फैसला यहां लिया गया। और हमारे नुमाइंदे सैयद शकील इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शकील, तो 55 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, तफसील से जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही है इसके पीछे। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में आगरा अब पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हर ओर इसी बात की चर्चा है कि एक साथ इतने ज्यादा पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई की गई है, इससे पुलिस विभाग में बेहद जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं आम है। क्योंकि आगरा में आगरा 3 जोन में बटा हुआ है और तीनों जोन के डीसीपी ने ये कार्रवाई की है, जिसमें सिटी जोन में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। अगर बात की जाए तो 24 घंटे में तीनों जोन के मिला के लगभग 56 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, इनका निलंबन किया गया है। इन पर आरोप ये लगा है कि इन्होंने पासपोर्ट प्रक्रिया के अंदर लापरवाही बरती है। वहीं एक बड़ा आरोप ये भी है कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है। अगर अनुशासन फोर्स के अंदर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 56 पुलिसकर्मियों के अंदर जिन पर कार्रवाई की गई है, इनमें ऐसे भी लोग शामिल है, ऐसे भी पुलिसकर्मी शामिल है जो कि अभी प्रशिक्षु है, यानी कि अंडर ट्रेनिंग है, और जो अंडर ट्रेनिंग है उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं इसके अंदर जो है थाना मलपुरा में तैनात एक उर्दू अनुवादक है, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की गई है। तो तीनों जोन के अंदर 56 पुलिस कर्मियों को कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर सस्पेंड किया गया है। तीनों ही जोन की डीसीपी सिटी, डीसीपी पूर्वी और डीसीपी पश्चिमी, तीनों ही जोन के जो डीसीपी, उन्होंने कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में बताया ये जा रहा है कि पासपोर्ट सत्यापन, अनुशासनहीनता, कार्य में लापरवाही, न्यायिक कार्य में अनुशासनहीनता व साइबर सेल के कार्य में अनुशासनहीनता में इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। जी शहबा शकील, तो 55 का एक बड़ा आंकड़ा है ये, और जिस तरीके से ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है कि सभी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या ये तमाम इल्जाम इन पर साबित हो चुके थे या फिर अभी जांच चल रही थी इस मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, आगरा पुलिस कमिश्नर के जो पुलिस कमिश्नर है जे रविंद्र गौड़, वो बेहद कह सकते हैं कि सख्त मिजाज के इंसान माने जाते हैं। वो किसी भी शिकायत को लेकर पहले जांच कराते हैं और जांच के बाद बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी लाल लपेट, बिना किसी सिफारिश के वो हमेशा कार्रवाई करते हैं। वो चाहे पब्लिक से जुड़ा कोई मामला हो या विभाग से जुड़ा, इस पूरे मामले के अंदर पहले जांच कराई गई, जांच में ये लोग दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के बाद इन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि आगरा में पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारा जा सके। जो लापरवाह पुलिस कर्मी है, जो लगातार लोगों से बदतमीजी कर रही है, जिनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं, वो अपनी शिकायतों में जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है तो कहा जा सकता है एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है पुलिस कमिश्नर के जरिए कि लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शकील सारी जानकारी के लिए।